इन दिनों किसान गन्ने की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। किसान गन्ना चीनी मिल को बेचने के अलावा गुड़ का उत्पादन भी कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गुड़ बनाते वक्त अगर कुछ जरूरी एहतियात बरती जाए तो गुड़ का अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा गुड़ की क्वालिटी को भी बेहतर किया जा सकता है, इस गुड़ को लंबे समय तक रोका जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि गन्ने का गुड़ बनाते वक्त गन्ने की किस्म का चुनाव करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजय पाठक ने बताया कि किसानों को गुड़ बनाते वक्त गन्ने की किस्म का भी ध्यान रखना चाहिए। वैज्ञानिक जो किस्में किसानों को सजेस्ट करते हैं, अगर उन किस्म से गन्ने का गुड़ का उत्पादन किया जाए तो गुड़ चमकदार, स्वादिष्ट और गुणवत्ता से भरपूर होगा। इसके अलावा उसको लंबे समय तक रोका भी जा सकेगा। प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक ने बताया कि गन्ने की कोसा 13235 किस्म, जिसमें अच्छी मात्रा में गुड़ का उत्पादन होगा। कोलख 14201 जो कि अगेती किस्म है, इस किस्म से अगर गुड़ बनाया जाए तो गुड़ बेहद चमकदार और स्वादिष्ट होता है। डॉक्टर संजीव पाठक ने बताया कि कोसा 767 और कोसा 12235 मध्य देर से पकने वाली गन्ने की किस्म है। इससे भी किसानों को अच्छा गुड़ मिलेगा। ये गुड़ गुणवत्ता में बेहतर होगा, जिसका किसानों को अच्छा भाव भी मिलेगा। वही प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक ने किसानों को ये भी सलाह दी है कि अगर किसान गुड़ को लंबे समय तक रोकना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद अगर गुड़ बनाया जाए तो उसको लंबे समय तक रखा जा सकता है, क्योंकि अभी वातावरण में नमी ज्यादा है, जिसकी वजह से अभी तैयार किया हुआ गुड़ लंबे समय तक नहीं टिकेगा। डॉक्टर संजीव पाठक ने किसानों को अपील की है कि गुड़ बनाते वक्त गुड़ को रसायन मुक्त रखें, ताकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहे। डॉक्टर संजीव पाठक कहते हैं कि गुड़ तैयार करने के दौरान रस का शोध करने के लिए वनस्पति रस शोधक देवला का ही इस्तेमाल करें। सहायापुर से लोकल 18 के लिए सिमरन जीत सिंह की रिपोर्ट। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ गन्ने जो विभिन्न किस्में हैं गन्ने की, उनका भी परीक्षण किया जाता है कि किस किस्म का गुड़ बहुत अच्छा बनता है। तो कई ऐसी किस्में हैं जिनका अगर हम गुड़ बनाते हैं तो उनकी बहुत अच्छी गुड़ की क्वालिटी होती है। जैसे अगर अगेती किस्मों की बात करें तो इस समय कोसा 13235 है, अगर उसका हम गुड़ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा दानेदार गुड़ बनता है। इसके अलावा कोलक 14201 गन्ने की किस्म है, ये भी अगेती किस्म है, इसका भी गुड़ बहुत ही अच्छा बनता है, सुनहरा गुड़ बनता है। और इसके अलावा हम बात करें मध्य देर से पकने वाली किस्में, तो मध्य देर से पकने वाली किस्मों में कोसा 082979 का गुड़ बहुत ही अच्छा बनता है। इसके अलावा मध्य देर से पकने वाली जो किस्म है, एक बहुत पुरानी किस्म थी 767, अब बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन जिनके पास है अगर उसका गुड़ बनाते हैं तो बहुत अच्छा गुड़ उसका बनता है। इसके अलावा कोसा 12235 गन्ने की किस्म है, इसका भी गुड़ बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये किस्में हैं जिनसे किसान भाई, जिनका गुड़ बना करके किसान भाई और उनका बाजार में अच्छा भाव प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी क्या रखनी चाहिए अगर गुड़ को ज़्यादा देर रोकने के लिए? अगर सावधानी की हम बात करें तो थोड़ा सा टेम्परेचर का है, इस समय टेम्परेचर लो है। अगर हमको लंबे समय तक गुड़ रखना है तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, अगर हम 15 जनवरी के बाद गुड़ इन किस्मों का बनाते हैं तो उसे हम काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं बिना किसी केमिकल के।